Good morning, students. Today we will do exercise 1.2 of chapter 1. Exercise 1.3. Exercise 1.3 of chapter 1. First question we have done in my previous lecture. Today we will do question number 2. 18 into 7 plus minus 3 is equal to 18 multiply 7 plus 18 multiply minus 3. हमको वेरीफाई करना है. वेरीफाई वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड अलग लेते हैं और राइट हैंड साइड अलग लेते हैं. तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले एलएचएस. 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस 3. तो हम 18 मल्टीप्लाई, अब हमारा रूल क्या कहता है? सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करते हैं. स्मॉल ब्रैकेट हमारी ये है 7 प्लस माइनस 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 3 18 मल्टीप्लाई. अब हम बिग ब्रैकेट को ओपन करेंगे 7 माइनस 3 4 इज इक्वल टू 72. तो एलएचएस का आंसर हमारा आ गया 72. अब हम लेते हैं आरएचएस. आरएचएस में हमारे पास है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3. Let us solve this. 18 into 7, 136 plus, इसको भी ब्रैकेट में ही रखिए, प्लस 18 into माइनस 3, 126 प्लस माइनस 54. कल मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जब हमारे पास एक ही माइनस का साइन होता है तो आंसर हमारा किस में आता है? मल्टीप्लाई के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा. टू साइंस होंगे तो पॉजिटिव में आएगा. मतलब अगर नंबर ऑफ साइंस हमारे पास इवन है मतलब टू है, फोर है, सिक्स है, तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव. अगर नंबर ऑफ साइंस हमारे पास ऑड है, वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, तो क्या आता है? नेगेटिव. अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को. 126 प्लस माइनस माइनस 54. सिक्स में से फोर गए टू, ट्वेल्व में से फाइव गए सेवन, तो ये भी 72. तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाई. अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे. अब हम करेंगे पार्ट, इसकी भी पहले एल एच एस साइड लेते हैं. माइनस 21 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 6. अब वही चीज, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करते हैं. माइनस 21 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 6. माइनस 21 इंटू माइनस 10. माइनस 4 और माइनस 6 सेम साइंस हैं, तो हम नंबर्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. तो ये हमारे पास आ गया 210 पॉजिटिव. बिकॉज टू साइंस है मल्टीप्लाई में माइनस के, तो मल्टीप्लाई में दोनों साइन मिलकर आप ले सकते हो, कट गए आपस में, या माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गए, या नंबर ऑफ साइंस इवन है तो इसलिए पॉजिटिव साइन है. ये हमारी एलएचएस सॉल्व हो गई. अब हम आरएचएस की तरफ चलते हैं. आरएचएस हमारी बनेगी माइनस 21 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 21 इंटू माइनस 6. तो अब पहले वही छोटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को. माइनस 21 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 21 इंटू माइनस 6. तो 21 फोर जा 84 पॉजिटिव आ जाएगा ये हमारा, प्लस 6 21 6 जा 126, ये भी हमारा क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया. बिकॉज यहाँ भी माइनस के दो साइंस हैं, तो माइनस माइनस मिलके प्लस मिल बन गए. यहाँ भी माइनस के दो साइन है, माइनस और माइनस मिलके प्लस बन गए. तो ये आपका आ गया 210. तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड. आप लिख भी सकते हैं हेंस वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट वन. फॉर एनी इंटीजर ए, व्हाट इज माइनस वन मल्टीप्लाई ए इक्वल टू.
तो माइनस वन मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू माइनस वन ए, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट है आपका इसका सेकेंड पार्ट, डिटरमाइन द इंटीजर हूज प्रोडक्ट विद माइनस वन इज माइनस 22. कि वो इंटीजर बताओ जिसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आए, माइनस 22. तो इसका आंसर आ जाएगा 22. आप यहाँ रफ में लाइन लगाइए, माइनस वन को आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस 22. 37, तो माइनस 37, माइनस वन इंटू माइनस 37 इज इक्वल टू 37. जीरो, माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, से यानी कि किससे हमने मल्टीप्लाई किया, जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर क्या आया, जीरो. वो कह रहा है कि वो इंटीजर बताओ जिसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है, माइनस 22. तो वहां पर माइनस है, आंसर में भी माइनस है, तो यानी कि एक ही साइन रहा होगा माइनस का, तो आपके पास 22 पॉजिटिव आ गया. अदरवाइज आप रफ में लाइन लगा के देख लीजिए, 37 का पॉजिटिव आंसर है तो उसका रिवर्स कर दीजिए, माइनस 37. जीरो है तो हमें मालूम है जीरो से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है. क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस वन मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन इक्वल टू वन. आपको माइनस वन मल्टीप्लाई 5 से स्टार्ट होना है और आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाना है और कहाँ तक पहुँच जाना है, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन. तो ये माइनस वन मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस वन मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस वन मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस वन मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस वन मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, माइनस वन मल्टीप्लाई 0 0, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस 1 इक्वल टू 1. यहाँ से हम स्टार्ट हुए और इस आंसर पर हम पहुँच गए. जो गिवन था वो भी आ गया और जो प्रूफ करना था, जो शो करना था वो भी आ गया, और बीच में ये हमारे क्या होंगे, वो हमने जो उससे कहा था राइट वेरियस प्रोडक्ट, ये हमारे क्या होंगे, वेरियस प्रोडक्ट्स, ये क्या होंगे हमारे वेरियस प्रोडक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टीज. तो ये प्रॉपर्टीज से हमने मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकालने हैं. तो ये क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस क्लास 6 में भी किए थे, और मेन बात है प्रॉपर्टीज का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े या प्लस माइनस ना करना पड़े. ठीक है, हमने जो प्रॉपर्टीज़ की थी, एक तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, कुछ भी कॉमन होता था वो कॉमन लेते थे, और फिर हमारे पास जो अंदर नंबर बचते थे वो ईजिली हमारे क्या हो जाते थे, प्लस या माइनस हो के 100,000 इस तरह के हमारे पास टर्म्स आते थे. एक हमने प्रॉपर्टीज़ की थी सूटेबल रीअरेंजमेंट. सूटेबल रीअरेंजमेंट में हमने इस तरह से अरेंज करते थे कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, और फिर हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है. एक हमने क्या था, डिस्ट्रीब्यूट किया था कि हमारे पास 46 मल्टीप्लाई 1007 दिया हुआ है, तो हम 1007 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, 100 प्लस 1000, और फिर हमारी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाती थी. सिक्स में जो हमने प्रॉपर्टीज अलग अलग प्रैक्टिस की थी वो अब हमारे पास इकट्ठे क्वेश्चन आ गए हैं. अब देखो पहली जो प्रॉपर्टी हमें नज़र आ रही है, 26 इंटू 48 माइनस 48 इंटू 36, तो हमें ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होगी. यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, माइनस 48 क्या ले सकती हूँ मैं, कॉमन ले सकती हूँ. क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, माइनस 48, माइनस 48 मैंने कॉमन लिया, मल्टीप्लाई भी कॉमन आ गया. अब मेरे पास क्या बचा, 26 प्लस ये ब्रैकेट में माइनस 36. अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस 48 मल्टीप्लाई 26 प्लस माइनस माइनस 36. अब ये माइनस 48 इंटू 26 में 36 को माइनस करेंगे तो माइनस 10 इज इक्वल टू 480 पॉजिटिव.
देखिए अब ये इतना मुश्किल क्वेश्चन था, अगर हम इसको विदाउट प्रॉपर्टी करते तो पहले हमें 48 को 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 48 को 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर दोनों आंसर्स को प्लस करना पड़ता, हमें कितना लंबा पड़ता। लेकिन अब हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया, हमें बिल्कुल भी कोई भी मल्टीप्लाई भी नहीं करके देनी पड़ी, हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व हो गया। अब इसका बी पार्ट करते हैं, इसमें भी हमको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, 8 × 53 × 1 − 125। अब इस पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, सूटेबल रीअरेंजमेंट। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, सूटेबल रीअरेंजमेंट। तो 8 × 125 × 53, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या गया, −1000। मैं आपको फिर से दोबारा याद करवाती हूँ क्या क्या होता है, 20 × 5 का ग्रुप बनता है 100, 25 × 4 का ग्रुप बनता है 100, 125 × 8 का ग्रुप बनता है 1000, 625 × 16 का ग्रुप बनता है 10000, 5 × 2 का ग्रुप बनता है 10, इस तरह से ग्रुप बनते हैं। तो ये हमने 6 क्लास में किए थे, तो आप इसको रिमाइंड अपनी नोटबुक में नोट करेंगे कि आपको पता लग जाए कि आपको किस तरह से रीअरेंजमेंट करना है, कि आपका मल्टीप्लाई करके 1000 आ जाए, 100 आ जाए, 10 आ जाए, इस तरह के नंबर्स आ जाए और मल्टीप्लाई 53। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया −53000 विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन, मैंने जो है ये आंसर फाइंड कर लिया है। अब हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट है आपका बेटा 15 × −25 × −4 × −10, 15 × −25 × −4 × −10। अभी हमने ये वाला सम भी कैसे होना है, सूटेबल रीअरेंजमेंट से। सूटेबल रीअरेंजमेंट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा मेरे पास, 100 आ जाएगा। 15 × इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 100 कौन सा है, पॉजिटिव, माइनस और माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए, और मल्टीप्लाई −10। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 15 × −1000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो −15000 एंड दिस इज द आंसर। अब एक बार क्वेश्चन, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था, एक बार स्टेटमेंट को देखकर आप ये इंश्योर कीजिए कि आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था या नेगेटिव। कितने साइन है नेगेटिव, 1, 2, 3, तो 3 साइन है, तो दो आपस में कट जाते, एक बच जाता, तो आंसर क्या आना चाहिए था, हमारा नेगेटिव ही आना चाहिए था और हमारा आंसर नेगेटिव ही आया है। और सेकंड चीज़ जो हमने नोटिस की कि हमने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, हमारा आंसर इजीली विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम करेंगे पार्ट डी, −41 × 102। ये भी हमारा किससे होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। −41 × 102 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 100 + 2। अब −41 × 100 और −41 × 2, तो −4100 −82, 2 × 1 = 24। अब दोनों साइन सेम है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, −4182 इज द आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर। देखो बिल्कुल अब हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी, हमारा इजीली ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में मेरे पास है यहाँ पर 625 × −35 ±−625 × 65। अब मैंने यहाँ से कॉम, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो रहा है, 625 मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन निकाला है मैंने, 625 मैंने कॉमन निकाला, मल्टीप्लाई मैंने कॉमन निकाला, यहाँ मेरे पास क्या बच गया, −35, यहाँ −65। तो 625 × −100 −62500 इज द आंसर। हमारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने का मेन मोटिव क्या होता है, अपनी कैलकुलेशंस को कम करना है। एंड वी कैन सी हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं और हमारी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। ई पार्ट के अब हम करते हैं एफ पार्ट।
एफ पार्ट है आपका 7 × 50 − 2। अब यहाँ पर ये आपको डिस्ट्रीब्यूट ही करके दिया हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते 7 × 50 − 7 × 2, 350 − 40, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 336 इज द आंसर। बिल्कुल इजी हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। अगर मैं इसको करती 7 × 48, 50 − 2 = 48, तो मेरा मेरा जो है प्रॉपर्टी का यूज़ ना होता और मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता। लास्ट में 50 के लास्ट पे 0 है, तो 7 × 5 मुझे सिर्फ 7 का टेबल आना चाहिए या सिर्फ 5 का टेबल आना चाहिए और मेरा क्वेश्चन हो गया। पार्ट जी −17 × −29। पहले मैं ब्रैकेट ओपन की −17 × −29। ये मैं माइनस से माइनस कट कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया 17 × 29। क्या आ गया मेरे पास 17 × 29। अब 17 × 29 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ 30 − 1, तो 17 × 30 − 17 × 1, 5 × 10 − 17, 493 इज द आंसर। सिमिलरली अब एच पार्ट करते हैं −57 × −19 +57। यहाँ पे मैं माइनस से माइनस को खत्म करती हूँ, 57 × 19 +57। अब मैं देख रही हूँ यहाँ से मैं 57 कॉमन ले सकती हूँ, ये मैंने 57 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई अब मेरे पास होता है 19 प्लस, अब कुछ भी नहीं बचा, तो मैं 57 के साथ अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई 1 लगा सकती हूँ। 57 के साथ कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा सकती हूँ, 1 लगा सकती हूँ मल्टीप्लाई 1, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो +1। या आप ये याद कर सकते हो कि अगर हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, अगर हम कुछ कॉमन ले रहे हैं और कुछ भी नहीं बच रहा है, अब हमने 57 को कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे पास क्या बचता है, 1 बचता है। जब कुछ भी नहीं बचता तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो ये 57 × 20 1140 इज द आंसर। देखो बेटा आपको ये पॉइंट यहाँ पर समझ में आया है, यहाँ पर दो बार माइनस था तो मैंने माइनस से माइनस को कट करके सिंपल अपनी स्टेटमेंट बना ली, लेकिन ये मैं कब कर सकती हूँ, सिर्फ वहीं पर कर सकती हूँ जहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो। अगर प्लस या माइनस का, जैसे अब ये दोनों, इन दोनों में किसका साइन था, मल्टीप्लाई का साइन था, तो मैं यहाँ पर माइनस से माइनस कट कर सकती थी। अगर मैं कहती कि यहाँ पर माइनस का साइन होता तो मैं इस माइनस के साइन को कट नहीं कर सकती थी, मैं सिर्फ कौन से साइन को कट कर सकती हूँ, जो मल्टीप्लाई में आपस में मल्टीप्लाई के में माइनस के साइन हो उन्हीं को कट कर सकती हूँ, दूसरे साइंस को मैं कट नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर टू बी लोअर्ड फ्रॉम 40 °C एट द रेट ऑफ 5 °C एवरी आवर। एक फ्रीजिंग प्रोसेस क्या रिक्वायर करता है कि एक रूम का टेम्परेचर 5 °C है तो वो हर आर कितना कम होना चाहिए, 5 °C जो है वो हर आर कम होना चाहिए, कि एक घंटे में कितना टेम्परेचर कम होना चाहिए, 5 °C टेम्परेचर कम होना चाहिए। वट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 hours आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, कि 10 घंटे के बाद जो है वो रूम का टेम्परेचर क्या होगा। सबसे पहले टेम्परेचर में क्या गिवन है, 40 °C, तो हम देखिए इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 °C। उसके बाद हर घंटे एट द रेट ऑफ 5 °C एवरी आवर टेम्परेचर लोअर्ड इन 1 hour, लोअर्ड इन 1 hour। अब लो हो रहा है तो मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब कोई चीज कम होती है उसके साथ किस चीज का साइन लग जाता है, माइनस का साइन लग जाता है, तो टेम्परेचर लोअर्ड इन 1 hour −5 °C और टेम्परेचर लोअर्ड इन 10 hours इक्वल टू −5 × 10
-50 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद हमारा टेम्परेचर क्या होगा? पहले हमारा 40 था और कितना लो हो गया वो 50 डिग्री, वो लो हो गया तो -10 डिग्री सेल्सियस। द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स विल बी -10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स awarded for correct answer and -2 for incorrect answer। एक टेस्ट हुआ है उसमें करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 हो जाती है एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलता है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर? मोहन के 4 करेक्ट आंसर हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर्स हैं तो हमें उसका स्कोर बताना। तो अब करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हैं? 1 करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर। करेक्ट वाला को आंसर निकाल लिया और इनकरेक्ट का और दोनों को आपस में सॉल्व कर। अब भी सेकंड पार्ट, रेशमा गेट्स 4 करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, और रेशमा कितने इनकरेक्ट आंसर है? 5 मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स, 5 × -2 - 10। स्कोर ऑफ हिना 10 - 10 = 0 मार्क्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा, आपका कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना था। करेक्ट के आंसर निकालो, इनकरेक्ट के आंसर निकालो।
क्वेश्चन नंबर एट, अ सीमेंट कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट बैग. एक कंपनी है वाइट सीमेंट का बैग बेचती है, वाइट सीमेंट बैग सेल करती है, तो उसको 8 रुपीज प्रॉफिट होता है. एंड ए लॉस ऑफ रुपीज 5 पर बैग ऑन ग्रे सीमेंट सोल्ड. अगर वो ग्रे सीमेंट सेल करती है तो उसको 5 रुपीज 5 पर बैग का लॉस होता है. ए कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट. एक कंपनी ने 3000 जो है वाइट सीमेंट बैग सेल किए हैं एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट और 5000 ग्रे सीमेंट बैग सेल किए हैं. व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, उसका हमें प्रॉफिट या लॉस बताना है. तो हम करते हैं प्रॉफिट ऑन 1 वाइट सीमेंट बैग. प्रॉफिट हमारे पास समझ लो एक तरह से क्या हो गया 32,000 हो गया और एक बैग का प्रॉफिट कितना है 8, तो 32,000 प्रॉफिट कितने बैग्स पर होगा 4,000 बैग्स पर. जो है हम क्या करेंगे प्रॉफिट को प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये जो 32,000 का लॉस है इसको हमें क्या करना है ख़त्म करना है. मतलब कि हमें वाइट सीमेंट बैग पर 32,000 का प्रॉफिट लेना है. तो नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए हमने क्या किया प्रॉफिट को प्रॉफिट से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स आ. ओके स्टूडेंट्स अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में वैल्यू रिप्लेस करनी है.
इसको हम लीनियर इक्वेशन वाले मेथड से कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में यदि यहाँ पे हम x लगा देते हैं तो x इज इक्वल टू 27, 3 यहाँ पर क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। ब्रैक में क्या आ गया आपके पास माइनस, ऐसे यहाँ पर ब्रैक लगा लीजिए x इज इक्वल टू माइनस 35 बाई में 5, 57 जा x इज इक्वल टू माइनस 7, यहाँ पर x लगा लीजिए x इज इक्वल टू माइनस 56 बाई में माइनस 8, माइनस माइनस कट हो गए 7, x इज इक्वल टू 7। सिमिलरली यहाँ भी x लगा लीजिए x इज इक्वल टू माइनस 32 बाई में माइनस 12, 12 बन जा 12 बन जा x इज इक्वल टू माइनस 8। अब आप लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर कर चुके हैं तो इसको हमने लीनियर इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व कर लिया। ब्लैंक की जगह पर हमने x पुट कर दिया और x की वैल्यू निकाल दी। ओके स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से देखिए कि मैम ने कैसे करा था। आपको मेरी वॉइस भी सुनाई देगी कि जो मैं बोल रही हूँ वो भी देखो सुनोगे आप और जो लिख रही हूँ वो भी, तो आप इसको रिपीट कर सकते हो और समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।